दोस्तों काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से। छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगाने वालों के लिए खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने इन योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए ब्याज दरों की घोषणा कर दी है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके मुताबिक अब आपको सभी छोटी बचत योजनाओं पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो चलिए डिटेल से जानते हैं कि अब आपको कौन सी स्मॉल सेविंग स्कीम पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया हुआ है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले 4.0 का इंटरेस्ट रेट मिलता था और अभी आपको 4.0 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन स्मॉल सेविंग स्कीम 1 ईयर टाइम डिपॉजिट, जिसमें आपको पहले इंटरेस्ट रेट मिलता था 6.6% का और इसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है 6.9%। इसी तरीके से 2 ईयर टाइम डिपॉजिट के लिए बात करें तो यहाँ पर पहले आपको मिलता था 6.7% का इंटरेस्ट रेट, जिसको बढ़ाकर 7.0% कर दिया गया है। इसी तरीके से 3 ईयर टाइम डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर पहले आपको मिलता था 6.9% का और जिसको बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया है। इसी तरीके से 5 ईयर टाइम डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर आपको पहले मिलता था 7.4% का इंटरेस्ट रेट और जिसको बढ़ाकर 7.8% कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर बात करें 5 ईयर RD अकाउंट की, तो यहाँ पर आपको पहले 6.9% का इंटरेस्ट रेट मिलता था, जिसको बढ़ाकर 7.3% इंटरेस्ट रेट कर दिया गया है। और दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो 5 साल के लिए होती है, इसमें आपको पहले इंटरेस्ट रेट मिलता था 8.3% का, जिसको बढ़ाकर कर दिया गया 8.7%। इसी तरीके से 5 ईयर मंथली इनकम अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर पहले आपको इंटरेस्ट रेट मिलता था 7.3% का, जिसको बढ़ाकर 7.7% कर दिया गया है। अगर बात करें 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि NSC की, तो यहाँ पर पहले आपको इंटरेस्ट रेट मिलता था 7.6% का, जिसको बढ़ाकर 8.0% कर दिया गया है। और अगर बात करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम यानी कि PPF अकाउंट की, तो यहाँ पर पहले आपको इंटरेस्ट रेट मिलता था 7.6% का, जिसको बढ़ाकर 8.0% कर दिया गया है। दोस्तों बात करें अगर किसान विकास पत्र की, तो यहाँ पर आपको पहले 7.3% का इंटरेस्ट रेट मिलता था, जिसको बढ़ाकर 7.7% इंटरेस्ट रेट कर दिया गया है। और बेटियों के लिए सबसे बेहतर स्कीम की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना पर पहले आपको मिलता था 8.1% का इंटरेस्ट रेट, जिसको बढ़ाकर 8.5% इंटरेस्ट रेट कर दिया गया है। और ये काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कई सालों बाद स्मॉल सेविंग स्कीम पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। और अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कौन सी स्मॉल सेविंग स्कीम में अपना अकाउंट ओपन कर रखा है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबा लीजिए। और दबा लेने के बाद एक बेल का आइकॉन आ जाएगा, आप उसको भी दबा लीजिए, ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।